कर्नाटक की जीत के बाद कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने पार्टी के उत्साहित कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और बधाइयां ली। कांग्रेस में जश्न तो है, लेकिन मुश्किल भी शुरू हो गई है। जीत के बाद पार्टी में सीएम पद के कई दावेदार सामने आ गए हैं। पार्टी में दावेदार तो तमाम हैं, लेकिन माना जा रहा है कि पिछली विधानसभा में विपक्ष के नेता सिद्धारमैया और केंद्रीय श्रम मंत्री मल्लिकार्जुन खड़गे सबसे आगे चल रहे हैं। हालांकि फैसला आलाकमान को ही करना है। सीएम कौन बनेगी, हाईकमान तय करेगी और हाईकमान के आदेश के अनुसार वहाँ पर होगा, इसलिए उसके बारे में कुछ नहीं बोल सकते। जो कुछ भी निर्णय होगा वो हमारे हाईकमांड के लोग आएंगे और वो श्रीमती सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी डिसाइड करेंगे। इट्स नॉट द क्वेश्चन ऑफ हैविंग चांसेस आर नॉट, हाईकमांड विल टेक ए डिसीजन ऑन द ओपिनियन ऑफ द न्यूली इलेक्टेड एमएलएस। द ऑब्जर्वर्स आर कमिंग टुमारो और डे आफ्टर टुमारो, दे विल कॉल द सीएलपी मीटिंग। In that meeting, they collect the opinions and afterwards they will take the decision. पिछड़ी जाति के नेता सिद्धारमैया ओबीसी के प्रभावशाली नेता हैं। 55 साल के सिद्धारमैया राज्य के दो बार उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं। वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के बड़े दलित नेता हैं और 45 साल से कांग्रेस में हैं। खड़गे ने अब तक 9 चुनाव जीते हैं। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री वीरप्पा मोइली और के एच मुनियप्पा के साथ ही रहमान खान, ऑस्कर फर्नांडिस और बी के हरिप्रसाद भी दावेदारों में शामिल हैं। कांग्रेस ने पार्टी के 4 पर्यवेक्षकों को कर्नाटक भेजने का फैसला किया है। इनमें रक्षा मंत्री ए के एंटनी भी शामिल हैं। पार्टी के नव निर्वाचित विधायकों की शुक्रवार को बैठक होगी, जिसमें नेता का चुनाव होगा। तब तक सीएम पद की रेस जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़।